जो लोग हमेशा अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जिन्हें ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, वह लोग एक बात ध्यान से सुन लो कि ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ को पूरी तरह से खराब कर सकती है। मैं यह नहीं बोल रहा कि सोचना गलत है, पर कुछ ज्यादा ही सोचना यह आपके लिए गलत है। जो लोग एक लिमिट में सोचते हैं उनके माइंड का IQ बहुत ही हाई होता है, तथा जो लोग फालतू की नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं उनके माइंड का IQ बहुत ही कम होता है, और ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक स्टूडेंट से लेकर जॉब या बिजनेसमैन भी ओवरथिंकिंग करता है। स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड ओवरथिंकिंग रहती है, तथा बिजनेसमैन को बिजनेस की। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपकी ओवरथिंकिंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। रियली सच में एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के सभी व्यक्तियों की सोच को बदल कर रख दिया। किसी देश में एक जादूगर रहता था जो यह दावा करता था कि उसे कोई भी जेल 1 घंटे से ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकती। उसका ऐसा बोलना था कि यदि उसे किसी जेल में ताला लगाकर लॉक कर दिया जाए तो वह मात्र 1 घंटे में उस जेल का लॉक तोड़कर बाहर आ जाएगा। तो उसको कई जेलों में बुलाकर उसका यह कर्तव्य देखा गया। पर शॉकिंग कर देने वाली बात यह थी कि वह जादूगर सच में 1 घंटे के अंदर ही जेल का लॉक तोड़कर बाहर आ जाता था। जब जेलरों ने इस घटना का सही से जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि वह जादूगर अपने पैंट की बेल्ट में 1 पिन लगाए रहता था, जिसकी मदद से वह जादूगर ऐसा करने में समक्ष हो पाता था। पर सबसे आश्चर्य करने वाली बात थी कि मात्र 1 पिन के जरिए कोई जादूगर सैकड़ों जेल के तालों को तोड़कर कैसे आ सकता है। उस जादूगर की पिन 1 लॉक में फिट हो जाती, पर वह सैकड़ों के सैकड़ों लॉक कैसे तोड़ सकता था। उसकी यह खबर देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल गई कि आखिर एक छोटा सा जादूगर सैकड़ों जेलों के लॉक कैसे तोड़ सकता है। सभी लोग उसकी इस कलाकारी को जानने के लिए बेताब थे। कोई अपने माइंड में कुछ सोच रहा था तो कोई कुछ और। पर जब यह जादूगर वाली बात वहां के राजा को पता लगी तो उसने इस जादूगर को अपने महल में बुलाया और उस जादूगर से 1 घंटे में अपने जेल के लॉक को तोड़ने के लिए बोला। और राजा ने आदेश दिया कि यदि वह 1 घंटे के अंदर लॉक को तोड़कर बाहर आ जाता है तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में भेंट की जाएंगी। यह सुनते ही जादूगर मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि सैकड़ों जेलों के ताले तोड़ दिए तो यह भी मेरे लिए एक पल का कार है। और वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगा और वह अपने शौक पूरे करने के बारे में सोचने लगा। यह घोषणा होने के बाद राजा के सिपाही उस जादूगर को जेल की तरफ ले जा रहे थे, तभी वहाँ के सेनापति ने उसे रोका और उस जादूगर से बोला कि यह जेल पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली जेल है, जिसके ताले को तोड़ना नामुमकिन है। बस इतना बोलने के बाद उस जादूगर को जेल में ले जाया गया और बाहर से उस जेल के गेट को लगा दिया जाता है। अब ताले को खोलने का टाइम स्टार्ट होता है और उस जादूगर के माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि एक ताले को खोलने के लिए कोई मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों देगा, जबकि यह कार तो चंद पैसों का है। और वह सेनापति भी सबसे शक्तिशाली ताले के बारे में बात कर रहा था। क्या यह सच में इतना शक्तिशाली है? ऐसे ही हजारों सवाल उसके मन में आ रहे थे, पर यह सवाल था पूरे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का। वह जादूगर अपने पिन की मदद से उस ताले को खोलना स्टार्ट करता है। पहले तो वह ओवर थिंकिंग की वजह से बोलता है कि सैकड़ों ताले तोड़े हैं तो इसे तो तोड़ ही दूंगा। वह एक बार प्रयास करता है, 2 बार, 5 बार, 10 बार, पर उससे वह ताला नहीं खुलता। 30 मिनट से ज्यादा टाइम बीत चुका था और अब उसके मन में ताले की मजबूती को लेकर उस सेनापति की बात बार बार मन में गूंज रही थी। वह मन में सारी बातें सोचता रहता है और ताला खोलने का भी प्रयास करता रहता है। 1 घंटे का समय बीत चुका था, उस जेल का ताला अभी तक नहीं खुला था। धीरे धीरे 2 घंटे का समय बीत गया, 3 घंटे बीत गए। उस सेनापति के द्वारा बोली गई बात अब जादूगर के मन में बार बार आ रही थी। वह जादूगर उस ताले को तोड़ने में असफल रहा और आखिर अंत में वह जादूगर ने हार मान ही ली। उस जादूगर की भरे दरबार में बेइज्जती होने वाली थी, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब वह जादूगर गुस्से में अपना आपा खोकर जेल के दरवाजे में जोर जोर से पैर मारने लगा। तभी उसका ध्यान एकदम से दरवाजे के ताले पर जाता है, जिसमें वह देखता है कि ताला पहले से ही खुला था। वह तो केवल खुले हुए ताले को दोबारा खोलने का प्रयास कर रहा था। जब ताला पहले से ही खुला हुआ था तो वह दोबारा कैसे खुलता? अब उस जादूगर को यह बात समझ में आ गई थी कि वह यदि इतना सब कुछ सोचने की बजाय वह सेनापति की बात को इग्नोर करता तो शायद आज उसकी बेइज्जती ना होती। ऐसे ही जो लोग ज्यादा सोचते हैं, यदि उनसे कोई अनजान व्यक्ति भी आकर कुछ बोल दे या वह व्यक्ति किसी कार को होता हुआ देख ले तो उस व्यक्ति के मन में हजारों ख्याल आते हैं और वह इतना ओवर थिंक करने लगता है कि उसके आस पास क्या हो रहा है उसे यह भी पता नहीं चलता। उसी प्रकार आप भी दूसरों की बेफजूल की नेगेटिव
बातों को अपने दिमाग से निकाल कर अपने माइंड में केवल पॉजिटिव थॉट्स रखा करें, जिससे कि आप अपने लाइफ में तरक्की करते हैं। मैं आपसे कुछ भी चीजों के बारे में सोचना बंद करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। यदि आपने सोचना बंद कर दिया तो आप एक मृत व्यक्ति के समान हो जाओगे, जिसमें आपका शरीर तो होगा परंतु आप कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होंगे। आप ओवर थिंक करो, वो भी केवल पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव थिंक की ओवर थिंकिंग करते हैं तो यह आपको आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में अहम भूमिका निभाती है। लाइफ में आपके साथ बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा जिसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप उसे ओवर थिंकिंग कर करके उस सॉल्यूशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हो। आप अपने माइंड में एक बार में सैकड़ों कार सोचने लगते हो, जिससे आप ऑटोमेटिक ही ओवर थिंकिंग करने लगते हो। इसलिए आप हमेशा सैकड़ों कार एक साथ करने के बजाय एक ही कार में माहिर हो जाओ, जिससे कि आपके माइंड में कार के प्रति ज्यादा प्रेशर नहीं होगा और आप ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो मिलते रहे।